और मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पारित हुआ है। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 सदन से पारित हुआ है। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 आंशिक संशोधन के साथ सदन से पारित। वहीं सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र चल रहा है जिसका आज आखिरी दिन है। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पारित। झारखंड कार्य एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 सदन से पारित हुआ है। विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है जहां आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। भोजन अवकाश के लिए कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 समेत 3 विधेयक सदन से पारित हुआ। और विपिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, सदन में आज मॉनसून सत्र चल रहा है जिसका आज आखिरी दिन है, कई विधेयक आज पारित हुए हैं। क्या क्या विधेयक आज सदन से पारित हुए हैं इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, अंतिम दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल आज पूरे तरीके से चल नहीं पाया क्योंकि कल ही विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की थी कि आज सदन में अंतिम दिन है कार्रवाई की, इसलिए पहली पाली में ही विधेयक जो है सदन में पेश होगा। तो प्रश्नकाल में आज 2 महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए, उसके बाद 4 विधेयकों को सदन में लाया गया और ये 4 विधेयक सदन से पारित कर लिए गए। जिस तरीके से अगर विधेयकों की बात करें तो आज झारखंड विधानसभा से जिन 4 विधेयकों को पारित कराया गया उसमें झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को सदन की सहमति मिली। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 था इसको सदन ने सहमति दी। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को सरकार ने अपनी सदन ने अपनी सहमति दी। और जो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है सदन से पारित हुआ है जिसके तहत की बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला आया था 9 बेंच के खंडपीठ का कि राज्य अपने खनिज पे रॉयल्टी लगा सकती है, तो उसी कड़ी में झारखंड की सरकार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को सदन से पारित किया है। इसमें थोड़ी सी जो आंशिक संशोधन की गई जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके आधार पर जो रॉयल्टी होगी वो मूल्य आधारित होगी और मूल्य जो बाजार पर निर्धारित रहेगा उसके आधार पर सरकार रॉयल्टी लगाएगी। तो फिलहाल भोजनावकाश के लिए, क्योंकि शुक्रवार को सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक ही पहले पाली में चलती है नमाज की वजह से, इसलिए फिलहाल सदन लंच ब्रेक के लिए एडजर्न किया जा चुका है। और जब 2 बजे सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद फिर से शुरू होगी तो प्राइवेट मेंबर बिल, जिसका संसदीय व्यवस्था के तहत प्रावधान होता है कि जब सदन का अंतिम दिन दूसरी पाली चलता हो तो प्राइवेट मेंबर बिल विधायक ला सकते हैं, तो इस कड़ी में आज 32 प्राइवेट मेंबर बिल सदन में लाए जाने हैं। उसके बाद सत्र का समापन होना और इसी समापन के दौरान सदन नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित भी करेंगे। और फिलहाल सोनाली, यहाँ सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जो बीजेपी के निलंबित विधायक है जिन्होंने सदन की कार्यवाही के चलने के दौरान मुख्यमंत्री का जो विधानसभा स्थित कक्ष है उसके बाहर धरना दिया था, उन्होंने अभी बाहर थोड़ी देर के लिए सांकेतिक रूप से प्रोटेस्ट कर अपनी बातों को दर्ज कराया है। दोपहर 2 बजे 18 विधायकों का निलंबन समाप्त हो रहा है और इसके बाद ये सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।